हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं अंडा पालक करी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो इस सर्दी आप ताज़ा ताज़ा घर पे पालक लाइए और मेरे इस तरीके से ना रेस्टोरेंट ढाबे से भी ज़्यादा टेस्टी पालक अंडा करी बना के ट्राई करें। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। तो पालक अंडा करी बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2 मुट्ठी पालक ले लिए हैं, ग्राम में बोलिएगा तो 250 ग्राम है। और पालक का जो मोटा वाला डंठल है ना उसे हमने निकाल दिए हैं और सॉफ्ट वाला रहने दिए हैं। और पालक को ना हमने अच्छे से साफ़ करके 4 से 5 बार साफ पानी में धो लिए हैं। और यहाँ पर हमने 4 ले लिए हैं बॉयल किए हुए अंडे। आप अपने ज़रूरत के अनुसार अंडा और पालक का क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो सबसे पहले ना हम पालक को सॉफ्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए एक कढ़ाई में हमने 2 गिलास पानी को अच्छे से गर्म कर लिए हैं। इसमें ना हम सारे पालक को डाल देंगे और पालक को हम 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल करेंगे, या फिर पालक को हमें तब तक बॉयल करना है जब तक पालक अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये लीजिए, पालक को बॉयल किए हुए लगभग हमें 3 मिनट हुआ। देख सकते हो आप लोग, पालक हमारा बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसे ना पानी से निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। जब पालक हमारा अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इसका पानी को हम अच्छे से निचोड़ के मिक्सी के जार में रख के इसे हम मिक्सी में पीस के ना पालक का प्यूरी बना लेंगे। पालक ठंडा हो रहा है तब तक ना हम अंडा को फ्राई कर लेते हैं। तो अंडा को फ्राई करने के लिए एक पैन में हम 1 छोटे चम्मच के करीब तेल डाल के अच्छे से तेल को पैन में फैलाते हुए हल्का गरम कर लेंगे। जैसे ही तेल हल्का गरम हो जाए ना इसमें हम सारे अंडे को डाल देंगे। तो सारे अंडे में हमने थोड़ा थोड़ा करके कट लगा लिए, देख सकते हो आप लोग, ताकि मसाले और ग्रेवी का फ्लेवर अंडा के अंदर तक आ जाए। तो हम यहाँ पर ना अंडा को स्लो फ्राई कर रहे हैं, इसीलिए तेल को हल्का गरम किए हैं। अब कभी भी अंडा को स्लो फ्राई करते समय ना तेल को ज़्यादा गरम ना करें, वरना अंडा फूटने लगता है। तो अंडा में एक प्यारा सा कलर आ जाए इसके लिए पैन में थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल दिए। अब हम पैन को इस तरह से चलाते हुए अंडा को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, अंडा में एक प्यारा सा कलर आ गया। तो बस हमें अंडा को इतना ही फ्राई कर लेना है। तो चलिए अब हम इसके लिए ना ग्रेवी बना लेते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में हमने 3 बड़े चम्मच तेल को हल्का गरम कर लिए हैं और पालक हमारा ठंडा हो गया था तो इसको हमने पीस के इसका प्यूरी बना लिए हैं। अब हम तेल में 2 सूखे लाल मिर्च को तोड़ के डाल देंगे, 1 तेज़पत्ते डालेंगे और 1 बड़ी इलायची डालेंगे। इलायची का हमने मुँह खोल लिए हैं ताकि फ्लेवर अच्छे से तेल में आ जाए। अब हम तेल में 1 टुकड़ा दालचीनी और 1 छोटे चम्मच डालेंगे जीरा, और इन सारे मसाले को ना हम 10 सेकेंड के लिए अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो ये लीजिए, मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें ना प्याज डालेंगे। तो एक मीडियम साइज की प्याज को हमने बारीक काट ली है। अब हम प्याज को चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए, प्याज हमारा अच्छे से भुना गया है। तो अब हम इसमें ना 1 बड़े चम्मच भर के डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसे भी हम चलाते हुए 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चा स्मेल है ना वो जैसे ख़त्म हो जाए। तो अदरक लहसुन हमारा अच्छे से भुना गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो 2 मीडियम साइज के टमाटर को हमने कद्दूकस करके ले लिए। आप चाहे ना तो टमाटर को पेस्ट बना के भी डाल सकते हो। इसी के साथ इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो सूखे मसाले में हम यहाँ पर डालेंगे 1.5 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटे चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटे चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक। अब इन सारे मसाले और टमाटर को ना हम चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई करेंगे। तो मसाले को अब जितना अच्छे से भुनाई कीजिएगा ना, ग्रेवी का जो टेक्सचर है उतना ही अच्छा आएगा। तो मसाले और टमाटर को भी हमने अच्छे से भून लिए हैं। तो देख सकते हो आप लोग, मसाले से जो है ना तेल छोड़ने लगा है। तो अब हम इसमें जो पालक का प्यूरी बना के रखे थे उसे डाल देंगे। तो मिक्सी में थोड़ा सा पालक का प्यूरी रह गया था तो इसमें हम थोड़ा सा पानी मिला के इसी में डाल दिए हैं। अब हम पालक को चलाते हुए ना मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से ना एक बार आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है ना कि पूरी सर्दी आप इसे ना हफ्ता में 2 से 3 बार बना के ज़रूर खाइएगा।
तो अच्छे से हमने पालक को मसाले के साथ मिक्स कर दिए हैं। तो ग्रेवी के लिए ना इसी में हम डाल देंगे 1/4 कप के करीब गर्म पानी, और अच्छे से ग्रेवी के साथ हम मसाले और पालक का प्यूरी को मिला लेंगे। और जैसे इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाए, इसे ना हम ढक के मीडियम टू लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। पालक को ढक के पकाए हुए हमें 4 मिनट हुआ। देख सकते हो आप लोग, तेल जो है ना पालक के ऊपर में तैरने लगा है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद ना हम फ्राई किए हुए अंडे को डाल देंगे, और अंडे को भी हम अच्छे से ग्रेवी के साथ मिला लेंगे। इसके बाद हम फिर से पालक और अंडे को लो फ्लेम में ही ढक के 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो आप अंडा या फिर पालक को जब भी पकाए ना लो फ्लेम में ही पकाए, इससे ना ग्रेवी का जो टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा उभर के आता है। तो अंडा पालक करी को ढक के पकाए हुए हमें 5 मिनट हो गया है, और देख सकते हो इसका फाइनल लुक देखने में कितना ज़्यादा यमी लग रहा है। रेस्टोरेंट ढाबे से भी ज़्यादा ही टेस्टी घर पे बन के तैयार हुआ है। तो अब हम इसका टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए ना गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और इसमें एक छोटा सा लगाएंगे तड़का। तो तड़का के लिए एक छोटा सा तड़का पैन में हमने 2 छोटे चम्मच के करीब सरसों का तेल को अच्छे से गर्म कर लिए हैं। तो आप सब्जी को कोई भी तेल में बना सकते हो, लेकिन अब जब भी इसमें तड़का लगाएं ना सरसों का तेल में ही लगाइएगा। सरसों का तेल से सब्जी का खुशबू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और तेल में बहुत सारे डाल देंगे बारीक कटे हुए लहसुन की कलियां और एक सूखे लाल मिर्च। और जैसे ही लहसुन की कलियां हल्का सुनहरा हो जाए, इसमें हम गर्मा गर्म डाल देंगे। इसके बाद इसे हम अच्छे से चलाते हुए सब्जी के साथ मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, सुपर डुपर हमारा पालक अंडा करी बनके तैयार है। तो इस सर्दी आप इसे बना के गर्मा गर्म रोटी पराठे किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हो। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है फ्रेंड, हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं। और इसका ग्रेवी देख सकते हो, ये देखिए। तो चलिए अब ना इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो इस सर्दी अब बाजार से ताज़ा ताज़ा पालक लाइए, और रेस्टोरेंट ढाबे से भी ज़्यादा टेस्टी घर पे पालक अंडा करी बना के ट्राई करें। इस तरह से आप इसे एक बार बना के अपने परिवार या फिर मेहमानों को खिला दिए ना, तो सभी जो है आपकी तारीफ करते हुए थकेंगे नहीं। ये इतना ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। तो ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में बताना ना भूले। अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल कर लीजिएगा मेरी रेसिपी की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो वीडियो के एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए बाय बाय।